आगरा कॉलेज आगरा के भौतिक विज्ञान विभाग में नवनिर्मित स्नातक तृतीय वर्ष की भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला का उद्घाटन केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। आज विद्यालय परिसर में इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर बघेल ने कहा कि आधुनिक तकनीकी से युक्त यह प्रयोगशाला विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान देगी, इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जागृत होता है। उन्होंने आगरा कॉलेज के 200 वर्षों के इतिहास को याद करते हुए शिक्षकों से इसकी गरिमा बनाए रखने की अपील की। प्रोफेसर बघेल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत किया। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मनोज रावत, डॉक्टर आर के श्रीवास्तव, डॉक्टर के डी मिश्रा, डॉक्टर के पी तिवारी, डॉक्टर अमित अग्रवाल, डॉक्टर आनंद पांडे, डॉक्टर के यादव, डॉक्टर गौरांग मिश्रा, डॉक्टर विक्रम सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर नीरा शर्मा, डॉक्टर अल्पना ओझा, डॉक्टर संध्या मान, डॉक्टर रीता निगम, डॉक्टर निधि शर्मा, डॉक्टर शरद भारद्वाज, राजीव सिंह, जितेंद्र शर्मा, सुबोध श्रीवास्तव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ये अलग बात है कि मेरी फिजिक्स बहुत खराब थी और फिजिक्स ठीक होती थी बहुत बाकी केमिस्ट्री तो खड़ी होती और अच्छा लग रहा है कि बहुत साफ सुथरी बहुत ही अच्छी प्रयोगशाला उससे लाभ मिलेगा क्योंकि सैद्धांतिक चीज़ें पढ़ने से उतना ज्ञान नहीं होता जिससे हम प्रैक्टिकल किसी का ना देश के प्रधानमंत्री पूरी में इसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान है इसलिए देश के लिए अधिक जानकारी समान खाली आई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि नीचे प्लान करके उनकी राह जरूरत होकर आने वाले रहने वाले उसको याद करके मैं फिर उसमें नंबर ला सकते हैं उसके हिसाब से पूरी सफलता से मिले एक साथ हमें उसकी राह काटी है तो व्यवहारिक ज्ञान उनको फलकार के रूप में इसीलिए बारह मित्र शौचालय आवास पान कार्ड ये सब प्रैक्टिकल ज्ञान से होता है इसलिए मैंने इन चीज़ों को लैब से जोड़ने का काम किया है क्योंकि अभी तो कोई भी कर सकता है लेकिन प्रैक्टिकल करने पर कॉन्फिडेंस बहुत आता है कि ये प्रयोग हमने किया है ये प्रयोग हमारा सिद्ध हुआ है इसलिए शिक्षा।